पिछले लेक्चर में, जस्ट अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें बताया था कि मिनट को कैसे हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था। अब इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कि एक डिग्री का वैल्यू पाई बाई 180 होता है, 180 को यहां से हटाओगे इंटू में जाएगा, पाई को हटाओगे अपॉन में आएगा, यहां बच जाएगा 1। यानी एक रेडियन का वैल्यू क्या होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। अगर एक रेडियन का वैल्यू इतना है तो एक्स रेडियन का वैल्यू क्या होगा, एक्स इंटू 180 अपॉन में पाई, और ये डिग्री हो जाएगा। अरे एक पेन की कीमत अगर 10 रुपया है और तुम्हें 5 पेन की कीमत निकालनी है तो तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई तो करोगे। एक पेन की कीमत इतना तो एक्स पेन का कीमत कितना, तो एक्स से मल्टीप्लाई तो करोगे। तो किसी भी रेडियन को डिग्री में अगर कन्वर्ट करना होगा तो तुम क्या करोगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हें यह पता करना हो कि 4π/3 कितना डिग्री है, ये तो रेडियन में लिखा हुआ है, हमें यह जानना है कि 4π/3 कितना डिग्री है, तो जो इसका प्रॉपर मेथड है वो तो ये है कि हम इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। कोई भी रेडियन का एंगल हो अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या होगा, पाई से पाई कट गया, 3 से जब 180 को काटोगे तो हो जाएगा 60 डिग्री, और 64 जा कितना होता है, 240 डिग्री। यानी 4π/3 को 240 डिग्री बोलते हैं। और जिस बच्चे ने ये याद रखा है कि पाई बाई थ्री हम 60 को बोलते हैं, अभी वही याद करवा रहा था, 180 को 3 से काटोगे 60 ही तो होगा। अब जिसको ये याद है कि पाई बाई 360 होता है, पाई बाई 290 होता है, पाई बाई 445 होता है, वो तो ये कुछ नहीं करेगा, वो तो सीधे 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा ना। अगर पाई बाई 360 होता है तो 16 × 4 कितना हो जाएगा, सीधा 240। या एक और तरीके से तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें ये बात पता है कि पाई मतलब 180 डिग्री होता है तो पाई की जगह पे 180 डाल दो तो भी हो जाएगा। पाई की जगह पे अगर 180 डालोगे तो क्या होगा, 3 6 18, 4 × 60, और ये आ गया 240 डिग्री। तो रेडियन को डिग्री में ऐसे कन्वर्ट करोगे। या अब जैसे हमने 4π/3 को कन्वर्ट किया, अगर आ गया 5π/4 और इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 5π/4 किससे इंटू करना है, 180 अपॉन पाई से, पाई से पाई कट गया, 4 से 180 को काट दोगे तो हो जाएगा 45, 45 को 5 से इंटू करोगे 225, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखो इसमें दिक्कत कब होती है, अगर पाई दिख गया तो दिक्कत नहीं होगा क्योंकि पाई से पाई तुम उड़ा दोगे, अगर पाई नहीं दिखा तो प्रॉब्लम होगा। और यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा, अभी हाफ ईयरली होना है। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि चेंज 3/4 रेडियन इंटू डिग्री, ध्यान से सीखना, एक बार में सीखना है। जिन बच्चों को डिवीजन पता है वो सीख जाएंगे आराम से। डिवीजन का रूल क्या होता है, एक बात बताओ, अगर लिखा हो 29/4 और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आता होगा सबको कन्वर्ट करने, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 29 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 7 28, रिमाइंडर आ गया 1, यानी क्या लिखोगे, 7 whole 1/4। अरे Q whole R/D, क्वेश्चंट रिमाइंडर डिवीजन, यही होता है ना मिक्स फ्रैक्शन। और ध्यान रहे इनके बीच में प्लस का साइन होता है, इसका मतलब क्या होता है, 7 whole 1/4 का मतलब क्या होता है, 7 + 1/4। एलसीएम लेके जोड़ के देखो 29/4 आ जाएगा। आप इसका सॉल्यूशन देखिए, 3/4 रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दो, 3/4 रेडियन इज इक्वल टू, अभी बताया, 3 बार बता चुका हूं, चौथी बार बता रहा हूं कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 3/4 रेडियन है
तो कर दोगे 3/4 इंटू 180 अपॉन में पाई। अब पहले क्या था, पाई के सामने पाई मिलता था, काट छांट के निकल जाते थे। अब इसमें तो पाई है नहीं कि इस पाई से काटोगे, ये वही पाई है जो मेंसुरेशन में आप यूज करते थे, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, याद आ रहा है, वही वाला पाई है। इस पाई का वैल्यू क्या होता है, यस 22/7 नहीं, धीरे से बोल भी सकते हो, या 3.14। तो यहां तुम्हें क्या करना है, पॉइंट मत डालना, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। यहां तुम्हें पाई के जगह पे 22/7 डालना है। पाई की जगह पे क्या डालोगे, 22/7 का जो 7 होगा ये ऊपर इंटू में चला जाएगा। रिया को समझ में आ रहा है? अब देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काटो, पहले जितना काट सकते हो, जैसे 2 × 2 = 4, 2 से काट दिया हो गया 90, 90, और फिर 2 से काट दोगे तो हो गया 45। अब तो नहीं कटेगा ना, अब मल्टीप्लाई कर दो, 45 × 7 = 315, 45 × 7 = 315, और 315 का 3 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 945 अपॉन में 22, और ये हो गया डिग्री। जब तुमने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया था उसी समय ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया था। अब इसको तुम क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे, जैसे यहां पे बताया है। ध्यान दोगे यहां पे 945 को 22 से डिवाइड करना है, 945/22, 4 से करोगे 88 हो जाएगा, 6 आ गया रिमाइंडर, ऊपर से 5 आ गया, 2 से करोगे 44 हो जाएगा, 21 आ गया रिमाइंडर। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 42/21/22, और ये डिग्री। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब हुआ 42 डिग्री से ज्यादा, 43 डिग्री से कम, क्योंकि जब 21 को 22 से काटोगे तो डेसिमल में कुछ आएगा ना, इसको 21 को अगर 22 से काटोगे तो डेसिमल कहीं तो कुछ देगा, यानी ये क्या है, 42 डिग्री से ज्यादा और 43 डिग्री से कम, ये 42 से 43 के बीच में, नहीं समझे बात को। अब जैसे 7.7 whole 1/4 लिखा है, कितना है ये, 7 रुपया 25 पैसा, यानी 7 रुपया से ज्यादा, 8 रुपया से कम। अरे इसको जब तुम डिवाइड करोगे 4 से तो 7.25 आएगा, कितना 7 पॉइंट कितना आएगा, 50 आएगा, 7.25 आएगा, 7.25, तो 7 से ज्यादा और 8 से कम है कि नहीं है, तो ठीक ये क्या है, 42 से ज्यादा 43 से कम। तो इसमें जो होल है ना इसको बाहर कर लो, ये होल नंबर जो 42 है इसको बाहर कर लो, 42 डिग्री बाहर, और जो फ्रैक्शन वाला डिग्री है ये इसको मिनट में बदल दो, क्योंकि डिग्री को डिग्री में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया डिग्री मिनट सेकंड सब में बदलना पड़ेगा, पॉइंट में आंसर नहीं देना है। 42 डिग्री अलग कर दिया, अब ये 21/22 डिग्री है, इस डिग्री को मिनट में बदलने के लिए क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बड़े को छोटे में बदल रहे हो, डिग्री को मिनट में बदल रहे हो, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो इतना डिग्री में कितना मिनट, तो इंटू में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और ये हो गया मिनट। काटो इसको, 2 से काट दोगे 11 हो गया, 2 से काट दोगे ये 30 हो गया, कितना आ गया, 42 whole 21 3 = 63, 6:30/11 मिनट। अब वही काम यहां भी करेंगे जो काम हमने यहां किया था, क्योंकि हमें इसमें से होल मिनट बाहर करना है और जो फ्रैक्शन में मिनट आएगा उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। यानी 630 को अगर तुम 11 से डिवाइड करते हो, 11 × 5 = 55, 80 × 11 = 77, रिमाइंडर आ गया 3। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखोगे इसको, 42 degree 57 whole 3/11 minute का मतलब हुआ 57 मिनट से बड़ा और 58 मिनट से कम। तो इसमें क्या करोगे, 42 डिग्री 57 मिनट बाहर कर लो, और जो ये फ्रैक्शन वाला मिनट है इसको आप सेकंड में बदलो, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड, तो 3/11 मिनट में कितना होगा, इंटू में 60। हमने आपको सेकंड से छोटी यूनिट तो बताई नहीं,
तो यहाँ पे सेकंड ही लास्ट होगा, तो हम इसको फ्रैक्शन में है ना, इसको डेसिमल में काटेंगे और अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। जैसे पॉइंट के बाद 5, 6, 7, 8, 9 आ गया, तो एक बढ़ा देते हैं, 16.57 आ गया 17 लिख देंगे, 16.8 आ गया 17 लिख देंगे, लेकिन 16.123 आ रहा है तो 16 ही लेंगे, अप्रोक्सीमेट यही तो होता है। 63 जा हो गया 180, 180 को 11 से कर दोगे, 11 से कर दोगे डिवाइड, 11 वन जा 11, ये हो गया 70, 11 सिक्स जा 66, आ गया 4, डेसिमल के बाद 0, 11 थ्री जा कितना आ रहा है 16.3। तो इसको 16 लोगे या 17 लोगे, 16 लोगे, यानी फाइनल आंसर हमारा हो गया 42 degrees 57 minutes 16 seconds, ये रहा आंसर। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा और 2 marks का आएगा। आप एनसीईआरटी की बुक जब घर पे उठाओगे, 3.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये कन्वर्जन का ही है। इस टॉपिक को विराम देने से पहले छोटी सी बात बता दें नॉलेज के लिए, ग्रेड के ऊपर हमने कोई चर्चा ही नहीं किया, ये ध्यान रखना, एक डिग्री जो है ये बराबर होता है 1.111111 ग्रेड के। तो इनमें बड़ा कौन हुआ, एक डिग्री जो है ये बराबर है 10.9 ग्रेड के, ग्रेड के लिए ऊपर जी लगा देते हैं, यहाँ पे जी लगा, एक डिग्री 10.9 ग्रेड के बराबर होता है। अब किसी भी डिग्री को ग्रेड में बदलना है 10.9 से इंटू कर दो। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि 90 डिग्री को कितना बोलते हैं, तो 90 × 10/9 कर दो, ये ग्रेड हो गया। 9 से 90 को काट दोगे 10 जा कितना हो जाएगा 100 ग्रेड आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं। ये था कन्वर्जन, इसमें और भी चीजें सीखनी है। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किसी भी सर्कल के आर्क का जो एंगल सेंटर पर सबटेंड होता है और जो रेडियस है उसके साथ क्या संबंध होता है और उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे।